अगली खबर की ओर। अमृतसर के गुरु की बडाली के पास इंदिरा कॉलोनी में कुछ लोगों ने ट्रैक्टर से निशान साहिब को तोड़ने की कोशिश की। इस कोशिश के दौरान निशान साहिब को भी नुकसान पहुंचा। तो वहीं सोशल मीडिया पर यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और निशान साहिब खोदने के बाद दलित समुदाय के विभिन्न संगठन गांव वासियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने एक बार फिर मीडिया से बात की और उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर निशान साहिब रखा गया था यह एक विवादित जमीन है और उस जमीन को लेकर नगर निगम से विवाद चल रहा है। गांव में रहने वाला एक शख्स काफी समय से इसकी शिकायत कर रहा है और इस वक्त उस जमीन पर खेती भी की जा रही थी। कुछ लोगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करने की मंशा से रात के समय वहां निशान साहिब स्थापित कर दिया गया। क्या यह पूरी तरह से गलत था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अश्रीकाल तख्त साहिब पर भी जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर ग्रामीण द्वारा मिन्नतें करने के बाद निशान साहिब को उस जगह से खोदकर निकाला गया। लोगों का कहना है कि पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो आने वाले समय में वे भी सिख संगठनों और किसी कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अमृतसर से सुमित खन्ना की रिपोर्ट। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का इतने प्रकाश होया तो बड़ा पवित्र स्थान है। जिहड़ा कुछ दिन पहलों तो एक मुद्दा चल रहा निशान साहब नू लाउण दा जां उहनू कुटण दा, सानू उस बारे अज तुहानू प्रेस नाल गलबात करनी पई है क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से गुरु की बडाली आया। असीं तुहानू दसना चाहुंदे आ वी ये जिहड़ी जमीन है जिहदा मसला ये पहलों पंचायत को सी, पंचायत को बाद च कारपोरेशन च आई। जिहड़े बंदे नू उदों वाह रहे सी उन्हां दा जिहड़ा केस आ कारपोरेशन दे नाल चल रहा, आउण वाले कल नू कारपोरेशन जेजे तो कारपोरेशन सारी पली 15 किले जी लै जाए, आने वाले समय से यह जेजन सरकार इन्हों को कोई पैसे पा दे, कोई इन्हों खर्च लावे भी तुम इन्ने चिर मतलब वाहन डे तो यह जेजन। एक तीजी धिर जोड़े साढ़े पिंड के बंद ने तीजी धिर का कोई मैटर नहीं बनता। वेखो गुरु ग्रंथ साहब किसी ने घर बना हो 10 वारी सोचता वा।